दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल टेक्निकल फैम में। तो फ्रेंड्स आप लोग के लिए काफ़ी कमाल न्यूज़ और काफ़ी अच्छी न्यूज़ लाता हूं। तो आज भी काफ़ी कमाल न्यूज़ काफ़ी अच्छी न्यूज़ लाया, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, क्योंकि आप लोग के लिए ऐसी वीडियोस में लाता रहा हूं। और फ्रेंड्स आज जैसे आप सबको मालूम है आज है शबे मेराज, तो मेरे तरफ से आप सबको शबे मेराज मुबारक हो। और फिर आज एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज कर्फ्यू लगा हुआ है, आप देख सकते हो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का, तो सब बंद है। उसके बीच में मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आप लोग के लिए ऐसी वीडियोस बनाता हूँ और बनाते रहूँगा। और अपने घर से वीडियो देखिए, इन्जॉय कीजिए। फ्री टाइम टेक टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं मेरा वीडियो जो होगा, काफ़ी मज़ेदार होगा वीडियो, आप लोग को जैसी बताना चाहूँगा ज़रूर देखेंगे वीडियो। इसमें क्या है पता चलेगा हमको सब, कैसा है क्या है। ये मेरा चैनल है, मैंने सर्च कर लिया, वीडियो देखते हैं हम। तो वीवो नेक्स्ट 3 5G, तो देखते हैं वीडियो। मेरा नाम है कानन, आप देख रहे टेक्निकल फैम, चलिए शुरुआत करते हैं। तो काफ़ी फास्ट बोल रहा हूँ मैं, तो हम आप लोग देख सकते हैं। आज मैं जैसे पहले वीडियो में बोला था कि मैं डिफरेंट न्यूज़ भी लाता रहूँगा, तो मैं आज डिफरेंट न्यूज़ भी देखते हैं। यूट्यूब पर आप सर्च कर लो तो इतनी डिटेल में अभी कोई न्यूज़ नहीं लाया, मैं लाया हूँ, मुझे लगा ये न्यूज़ लाने लायक है तो मैं लेके आया हूँ। ये वीवो की नेक्स्ट 3 के बारे में अब कितनी सारी कितनी गलत ये तो नहीं बता सकते, जब लॉन्च होगा तो पता चलेगा। जो न्यूज़ लॉन्च होगा तो पता चलेगा, तो मतलब आप देख सकते हैं डिजाइन देख सकते। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में गाइस, चार्जर जूजर सब हर एक चीज़ दिखाया हूँ मैं। तो फ्रेंड आपने डिज़ाइन देख ही लिया होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। इसकी स्टोरेज होने वाली है 8GB रैम से लेकर 12GB रैम तक का, और इसका रोम होने वाला है 128 से लेकर 256GB तक का। मेरी, और इसमें आपको मिलने वाला है, उसमें बैठ के आपको 4500 mAh थोड़ा वैसे बजाक तो चलता ही है फ्रेंड्स। चार्जर फास्ट मिल रहा है इन द बॉक्स, चार्जर मिल रहा है। अब बात करते हैं हम इसके रियर कैमरा की, तो रियर कैमरा आप सर्कल में रहेगा, देख सकते हैं आप रहेगा ट्रिपल कैमरा। तो सबसे पहले बात करते हैं, मतलब बिना रुके बोल रहा हूँ मैं, आप कोई भी पकड़ के मुझे बोल सकते हैं कि मतलब मैं ऐसा रिवाइज करके बोल रहा हूँ। तो वीडियो देखने के बाद तो ऐसी लग रहा है फ्रेंड्स कि मैं मतलब रीड कर रहा हूँ और रट्टा मार के मैं फटाफट आप लोग को सिर्फ बताया जा रहा हूँ। 13 MP का है, वो भी 2.2 का है, लेकिन वो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। लेकिन न्यूज़ कंप्लीट में सही बता रहा हूँ, फ्लैश मिल जाता है और HDR का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे सेल्फी के साथ, सेल्फी में भी आपको 16 MP की सेल्फी मिलती है, 16 MP की सेल्फी, 2.1 का अपर्चर मिल रहा है, और उसमें भी आपको LED फ्लैश मिल रही है और HDR का मोड मिल रहा है, और काफ़ी कुछ और फुल HD वीडियो बना सकते हो उससे आप। और उसमें दो कलर ऑप्शन में अभी जो देखा हूँ तो बता रहा हूँ, एक लिक्विड टाइटेनियम है और एक डीप एयर स्टीम है। टाइटेनियम डीप एयर स्टीम, इसलिए मैं आपको दो कलर बता रहा हूँ, अगर कलर और हुआ तो मैं जानता नहीं। और बात करते हैं हम प्रोसेसर, तो इसमें लगा स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर, आप लोग जानते हैं काफ़ी फास्ट प्रोसेसर 855 अभी तो 865 आने वाला है फ्रेंड, स्नैपड्रैगन का 865 नॉर्मल सा मालूम है। डिस्प्ले एक डिस्प्ले वाटरफॉल डिस्प्ले, ये डिस्प्ले आपको मिल रहा है 6.89 इंच का आपको डिस्प्ले मिल रहा है। उसके बाद आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, वो भी 16 सुपर एमोलेड डिस्प्ले सबसे बड़ी बात, और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 93.6% है, और इसमें भी आपको फुल HD का सपोर्टेड मिल रहा है, फुल HD सपोर्ट। आप गौर से देखेंगे फ्रेंड तो मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मेरा पर्दा है, और पर्दा हिल रहा है और हिलने से मुझे काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने अभी आप देख सकते हैं कुछ बैकग्राउंड दो बार उसके बाद से मैंने चेंज कर चुका हूँ। एक ये बैकग्राउंड है, एक मिनट फ्रेंड्स, एक ये बैकग्राउंड है आप देख सकते हैं, और एक इसके पहले ब्लैक बैकग्राउंड था, तो दोनों चेंज करने के बाद मैं पर्सनली ये बैकग्राउंड लगाया। ये बैकग्राउंड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं मैं काफ़ी मेहनत करता था, बाल काफ़ी मतलब बना बिना के बैठता था, लेकिन जैसे मैं रट्टा मार के आप लोग को बताते रहता था ना स्टॉप ना कुछ कुछ नहीं, सिर्फ रट्टे की तरह बोलते रहता था, और एक तब से मैं रट्टेबाज था, रट के आता था और रट्टे लोग की तरह बोलते जा रहा था। अभी देख सकते हैं आप पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है मेरे अंदर भी, और पर्सनली मैंने एल लॉन्चर भी ख़रीद लिया, आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक है, और इसमें बैठ के झूला झूलने बहुत मज़ा आती है मुझे सही में फ्रेंड्स। आगे देखते हैं वीडियो में क्या है। बार बार मेरा एयरफोन ना मुड़ जा रहा है, अगर आपको आवाज़ की प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। टच मिलने वाला है 9.1 का,
और ये एंड्रॉयड 5 पर आने वाला है। और नॉर्मल से आपको बता देते हैं, इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलने वाला है। अभी वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट किसको भी नहीं मालूम है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है बस इतना मालूम है। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें हर सेंसर लगा हुआ है और लास्ट में मैं हर सेंसर लगा हुआ है, मतलब कुछ बंदा सेंसर लगा है वो नहीं बताया, हर सेंसर लगा हुआ है। 0 है तो अब देखो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे बताएं। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, काफ़ी ढूंढ के काफ़ी मेहनत करके मैं वीडियो बना, काफ़ी ढूंढ के मेहनत करें, बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाया, डिफरेंट वीडियो है। तो प्लीज़ मुझे हो सके तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, पहले प्रॉब्लम होती थी। कैसी लगी मुझे बताना नीचे, न्यूज़ कैसी लगी जरूर बताना, काफ़ी मेहनत कर रहे बंदे। और हाँ फ्रेंड्स, ये न्यूज़ जरूर मुझे बताना कमेंट में। तो जब तक करें, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आपने वीडियो, इस पर मुझे काफ़ी अच्छी लाइक मिली है, 73 लाइक मिली है मुझे वीडियो पे। बट लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, जो ये वीडियो मैं बनाता था उस टाइम पे मुझे काफ़ी अच्छी लाइक और व्यूज़ मिलते थे, काफ़ी मेहनत करता था मैं, काफ़ी ढूंढ के वीडियो लाता था। लेकिन उसके बाद से मैं काफ़ी चेंज हुआ फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं आज मैं काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुका हूँ, हर चीज़ मेरी अपडेट हो चुकी है, कैमरा टू लेके हर चीज़ मैंने अपनी इम्प्रूव किया धीरे धीरे। और अगर आप लोग की सपोर्ट मुझे ऐसी मिलेगा तो और चीज़ मैं आप लोग के लिए इंशाल्लाह फ्यूचर में लाऊंगा। बट एंड में मैं आपको जाने से पहले 2-3 बातें फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम उस मेहनत कर रहा हूँ, मेरे 100 वीडियोज़ भी कम्प्लीट हो चुके हैं और आप लोग की दुआ से मेरे अच्छे खासे 700 मतलब व्यूज़ भी कम्प्लीट हो चुके हैं फ्रेंड, 700 बोल रहा हूँ फ्रेंड, 7000 व्यूज़ कम्प्लीट हो चुके हैं मेरे। तो आपके ऊपर है फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं कुछ वॉच कंप्लीट जो टाइमिंग करना है कर लूँगा, 1K सब्सक्राइबर ये आप लोग के हाथ में। अगर आप मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितनी यूनिक चीज़ आप देख सकते हो जो मैं करता हूँ, अगर आप शेयर करेंगे तो आपके लिए ऐसी कंटेंट ढूंढ के लाऊंगा। और जो आप मुझे कमेंट करेंगे, जो चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करो, मैं उस पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो कैसा लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही आप वो कर देना फ्रेंड्स। और हो सके तो हमने जैसे उधर 73 लाइक मिली थी तो इधर 100 लाइक कर देना, अगर आप लोग ने 100 लाइक कर दिया तो मैं समझूंगा मेरी जो टेक्निकल फैमिली जो टीम है, जो मेरी टेक्निकल फैम, जो मेरा चैनल है उसमें काफ़ी लोग एक्टिव है और मुझे टाइम टू टाइम वीडियो मेरा देख के मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते। तो आपको यहाँ तक का वीडियो देखने का आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, टेक्निकल फैम के तरफ से थैंक यू सो मच गाइस। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, थम्स अप और ध्यान रखना अपना। और गाइस, घर से बाहर नहीं निकलना 9 बजे से पहले, ठीक है।